बहकी सभी जुबा है, हम हैं हजारों में। तो आ गए, चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। रुको भाई, इससे पहले मुझे कुछ बताना आप लोग। मेरे कुछ पिछले वीडियो में एक दो आदमी ने कमेंट किया था कि भाई आपका वॉइस अच्छा नहीं आ रहा, आप वॉइस इम्प्रूव करें। तो मैं बताना चाहता हूँ कि पहले जो वीडियो था वो सिर्फ मैं अपने फ़ोन के इंटरनल माइक से वॉइस रिकॉर्ड करता था, उसके बाद उसको थोड़ा बहुत एडिट करके उसको सेट करता था। लेकिन अभी भाई जो ये आवाज़ आप सुन रहे हैं, ये वॉइस भाई हो रहा है हमारे गोया M1 माइक से, जो मैंने फिलहाल परसों ही ऑनलाइन ऑर्डर किया था और अभी आ गया है। इसी से अब रिकॉर्ड हो रहा है। अब भाई वॉइस कैसा आ रहा है वो आप कमेंट करके बता दीजिए। तो भाई साहब, इसका भी क्वालिटी उतना खास नहीं है, मतलब ये सस्ता माइक है तो उतना मतलब मक्खन लगा के वॉइस तो नहीं आ सकता है। फिर भी जितना है मेरे लिए तो अच्छा है, क्योंकि मैं अभी तो बिगिनर हूँ ना, बाद में इम्प्रूव होगा, सब कुछ अपडेट करेंगे। अभी के लिए तो फिलहाल इसी से काम चलाना पड़ेगा। तो फिर करते हैं आज का ब्लॉग स्टार्ट। व्लॉग करना है मुझे, व्लॉग करना है, तो भाई साहब बात कुछ ऐसी है कि आज थे हम फ्री और सोचे आज क्यों ना हम अपने गांव में ही थोड़ा शेयर वेयर कर लेते हैं, मतलब गांव का ही लुत्फ उठाते हैं। मुझे किसी भाई ने बताया था कि इधर एक झुलंगे पुल है, तो हमको तो पता नहीं, कभी गए भी नहीं वहां पे, तो किसी से पूछते हैं कि भाई साहब वो झुलंगे पुल है कहाँ पे, जाएंगे वहाँ पे क्या सीन बनता है वो आपको दिखाएंगे। अभी फिलहाल चलते हैं, है ना। मुझे व्लॉग करना है, व्लॉग करना है, मुझे व्लॉग करना है। झुलंगे पुल कितना छे कौन झुलंगा इतना कतन कर गए झुलंगे पुल नहर का नहर का तो जे कोई जने जे जे बादे बारलर से गाड़ी जते गाड़ी ना जते गाड़ी कोई जने जते ऐ जने ना तो फाइनली इतने पापड़ बेलने के बाद हम अपने डेस्टिनेशन पे आ गए हैं। मतलब बहुत बहुत से लोगों से पूछा कि कहाँ है भाई साहब, तो ये इधर है, इतना बड़ा जंगल, मतलब किसी को पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे है एक पुल, झुलंगे पुल। तो हम आ गए, फिलहाल इधर से एक रास्ता है, ये इस रास्ते से होके जाता है उधर, तो अभी चलते हैं वहाँ पर, देखते हैं भाई। एक्साइटेड हूँ ये झुलंगे पुल पे आया हूँ, हमारे गांव में भी है एक झुलंगे पुल, तो आई एम सो एक्साइटेड। चलते फिर। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। जो भी कहो भाई, हमारा तो पोपट बन गया, क्योंकि भाई साहब इसको झुलंगे पुल नहीं बोलते, ये तो एक स्टील का पुल है भाई साहब, इसको झुलंगे कैसे बोल सकते हो तुम लोग, अजीब हो यहाँ पे है कुछ क्रिएटिव लेने वाला सीन, बोलिए। फिर भी भाई साहब कोशिश करेंगे, आप इतना दूर आ गए तो भाई वैसे खाली हाथ लौट के थोड़ी जा सकते हैं, देखते हैं कैसा। तो भाई साहब कुछ हो ना हो, लेकिन आज का मौसम जो है ना भाई साहब, सुहाना मौसम है। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, क्या लबे सीरी सा लग रहा है। तो भाई साहब अभी हमारा एक साथी का कॉल आया था कि भाई कहाँ हो, मेले में नहीं आए हो। मेला मतलब भाई साहब, हमको तो कुछ पता भी नहीं है कि मेला है गाँव में, तो वही बोला कि आज मुहर्रम है, तो मुहर्रम का
हर गांव में मेला है, तो क्या करें, चलें मेला। बंधन के मुटियाया पटोला बनके कन्ना दे विच पिपल पत्तियां पाही चूड़ा खनके। बंधन के मुटियाया पटोला बनके कन्ना दे विच पिपल पत्तियां पाही चूड़ा खनके। तो वहां से फिलहाल हम निकल चुके हैं अभी रास्ता में, और ये हमारा ड्राइवर है छोटू दादा, जो कि अभी तक में 5 बार गाड़ी बंद कर चुका है। ये अबे साले यही है वो चीज जिसकी वजह से भाई मेला मेरा मेला नहीं होता। अच्छा, वैसे भी वो मेला सेला तो मैं कुछ मानता नहीं हूँ, फिर भी ये उठा के लाया खाने के लिए, क्योंकि ये भाई मेरा फेवरेट है। सबको पता है भाई, ऐसा मतलब लाठी वाठी खेलना, ढोल पिपी बजाना, ये सब हमारे इस्लाम में नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग करते हैं क्योंकि कोई समझाने वाला नहीं है। हम लोग बस गए थे देखने के लिए कि क्या कैसे होता है, आप लोग भी देख चुके हैं। वहाँ से थोड़ा ये लाए थे जलेबी, क्योंकि ये मेरा फेवरेट है। आज का वीडियो तो पूरा नहीं हो पाया, शाम भी हो चुका है, कहीं अभी नहीं जा पाएंगे, तो कल इंशाल्लाह कल पूरा वीडियो बनाएंगे। और कल रक्षाबंधन भी है, तो एक दीदी के यहाँ भी जाना है, तो वहाँ भी जाएंगे, कल रक्षाबंधन है। तो अभी फ़िलहाल घर चलते हैं, रेस्ट करते हैं, कल का काम कल होगा।